हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट रोल ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे क्लास ऑफ एलिमेंट होते हैं जिनकी मात्रा किसी भी प्लांट के ड्राई वेट में लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम होती हो। वहीं पर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होता है जिसकी मात्रा किसी भी प्लांट के ड्राई वेट में मोर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम होती हो। आज का जो वीडियो होगा उसमें हमारा मेन एम्फोसिस होगा कि इन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के क्या क्या रोल हैं, इनकी डेफिशिएंसी से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे एलिमेंट को। अभी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो काफ़ी सारे एलिमेंट्स के बारे में होगा, तो हमने क्या करना है, हमने इस वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में बना करके पढ़ना है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे वो होगा नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो होगा नाइट्रोजन। और अगर आप नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट को चाहिए होता है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में। क्यों लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है? क्योंकि प्लांट के जो मेजर कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन जो है बनाता है। ठीक है, तो ये इट इज सबसे पहला पॉइंट तो क्या बन गया, इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। दूसरा, ये एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट NO2- NO3- नाइट्रेट के रूप में, या फिर NH4+ अमोनियम के रूप में ये प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा सॉइल में से। ठीक है, अगर आप इसकी फंक्शन के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन दैट इज परफॉर्म बाय इट इन द प्लांट्स, तो वी कैन से कि ये जो है इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रोटीन जो होते हैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक होती है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ ऐसा चलता है, C-COOH, फिर यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप आ गया NH2, यहाँ पर R कोई फंक्शनल ग्रुप और ये H। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो अमाइनो ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिडिक और बेसिक ग्रुप के वजह से हमारी अमाइनो एसिड जो है वो एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस बन जाती है। खैर वो अलग बात है, यहाँ पर हमें ध्यान रख के रखना है ये नाइट्रोजन जो ऐड हो रहा है वो। तो नाइट्रोजन क्योंकि अमाइनो एसिड का एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। दूसरा, ये बनाता है बहुत सारे काम की चीज़ जिसमें से एक है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड बच्चों क्या होती है, हमें पता है दो प्रकार की होती है, एक होता है DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो न्यूक्लिक एसिड होती है उसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फोएट होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पेंटोज शुगर्स होती हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे इट इज अ वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ वाइटामिन्स। इट इज अ वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ द वाइटामिन्स। नाउ दीज आर द मेजर फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय द नाइट्रोजन। फर्ज कर लेते हैं कि किसी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन जो है वो एबसेंट है। ठीक है, किसी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन जो है वो एबसेंट है। अब जब नाइट्रोजन एबसेंट होगा तो हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे हमारे प्लांट के ऊपर। ठीक है, वो इम्पैक्ट क्यों देखने मिल रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन जो था वो एबसेंट था, तो उस एब्सेंस की वजह से जो हमें प्लांट पर इम्पैक्ट देखने मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन जो था या फिर कोई भी जो एलिमेंट था वो वहां पर हमने क्या कर दिया था, अनअवेलेबल करवाया है ना, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहां पर आप देखोगे आपको देखने मिलेगा क्लोरोसिस। क्लोरोसिस देखने मिलता है, क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, क्लोरोसिस बेसिकली मीन्स लॉस ऑफ क्लोरोफिल, या फिर आप इसको चाहे तो लिख देंगे, अब क्लोरोफिल हट गया ना तो हमारे जो पत्ते वो पीले पड़ जाएंगे, तो येलोइंग ऑफ लीव्स आप लिख सकते हैं। तो एक तो सिम्टम हो गया इसका क्या, क्लोरोसिस। दूसरा हो जाता है स्टंटिंग ऑफ प्लांट। स्टंटिंग का मतलब क्या, हमारे प्लांट जो थे उनकी जो साइज होगी, उनकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी रह जाएगी, थोड़े से बटके रह जाएंगे, वो राजपाल यादव टाइप के अपने। ठीक है, दूसरा, अगर नाइट्रोजन अनअवेलेबल होता है, ठीक है, अगर अगर नाइट्रोजन जो है वो अनअवेलेबल है तो हम देखेंगे हमारे सेल्स जो है उनका डिवीजन नहीं हो पाएगा, तो सेल डिवीजन जो है वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, और ये इनहिबिशन जो हो रहा है वो नाइट्रोजन की वजह से हो सकता है। कई बार हम देखते हैं अगर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होता है हमारे प्लांट्स के लिए तो उनकी जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनकी फ्लावरिंग डिले हो जाएगी। ठीक है, फ्लावरिंग डिले हो जाएगी तो फोटो पीरियड वगैरह यहाँ पे नहीं आने वाले बच्चे। ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा, एक बहुत काम का पॉइंट बन रहा है, एक बहुत ज़्यादा काम का पॉइंट बनता है क्या, कि जब नाइट्रोजन अनअवेलेबल होता है तो हम देखते हैं कि जो शूट होती है ना, जो शूट होती है
उसके ऊपर पर्पल स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, पर्पल कलरेशन डेवलप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ डेफिशिएंसी है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में जो आपको देखने मिलेंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं दूसरा हमारा जो एलिमेंट है वो। दूसरा एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा एलिमेंट है हमारा फॉस्फरस। फॉस्फरस, ठीक है। अब फॉस्फरस जो है ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। फॉस्फरस जो है ये भी बहुत काम की चीज है। क्यों काम की है, क्यों काम की है? जनरली ये जो है ये हमें देखने मिलेंगे कहाँ पर? यंग टिश्यूज के अंदर। अब इनके यंग टिश्यूज के अंदर फॉस्फरस कहाँ से आया? तो फॉस्फरस एक ऐसा ऐसा एलिमेंट है जो क्या किया जा सकता है, इट इज विड्रॉन फ्रॉम द ओल्डर लीव, ठीक है। ये काम का पॉइंट बन रहा है, इट इज विड्रॉन फ्रॉम ओल्डर लीव्स। जो पुराने पत्ते होंगे ना, ओल्डर पार्ट इनफैक्ट, ठीक है, ओल्डर पार्ट जो होते हैं उनमें से, ठीक है, ओल्डर पार्ट्स ऑफ प्लांट, वहां से क्या कर लिया जाता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, मोबिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉस्फरस जो है स्टूडेंट्स वो प्लांट है ना अब्सॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। इसे अब्सॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। अब अगर मैं मेरे प्लांट को फॉस्फेट प्रोवाइड करता हूँ, फॉस्फरस प्रोवाइड करता हूँ, तो ये एक फंक्शंस क्या सर्व करता है फॉस्फरस, वहां पे क्या फंक्शन सर्व करता होगा? सबसे पहले आपको याद होता होगा कि भैया जो आपके आपके जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसी होती होगी, आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये हमारी बाइलिपिड लेयर हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन का, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा अलग अलग टाइप के चैनल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन हम बोलते हैं उसको, इंटीग्रेटेड प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जैसा कुछ आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है ना ये हमारी सेल मेम्ब्रेन का बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन, उसमें जो आपने आपने शायद पढ़ा हो ना, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होता है ना, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होता है, तो फॉस्फरस है वहां पर, सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट हो गया। दूसरा, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो तीन चीजों की बनती है, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजिनियस बेसिस और पेंटोज शुगर, ठीक है। तो नाइट्रोजिनियस बेस, पेंटोज शुगर की बात ना करके अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप की बात करूं तो वो फॉस्फरस से निकला हुआ है ना बच्चों। फिर आए हमारे पास क्या, कुछ प्रोटीन्स, नॉट ऑल द प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स के कंपोनेंट होते हैं ये। और दूसरा, आपने आगे चल करके फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, तो उसके अंदर आप देखोगे फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। तो वो फॉस्फोराइलेशन जो होगा उसके लिए भी फॉस्फरस चाहिए होता है। तो फॉस्फोराइलेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर फॉस्फेट का ऐड हो जाना। तो जनरली हम इसको पढ़ते हैं एडीपी के रिस्पेक्ट में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी के अंदर। तो पहले आप देखते थे दो यहां पे फॉस्फेट थे, तीन हो गए, तीन फॉस्फेट हो गए थे, इसे क्या बोलना है, ट्राई फॉस्फेट बोलना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बना था, एक क्वेश्चन बना था काफी पहले कि एटीपी के अंदर एनर्जी कहाँ पे होती है। तो एनर्जी के अंदर, एटीपी के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है उसके दो फॉस्फेट बॉन्ड में, ठीक है, सब में नहीं होती, दो जो फॉस्फेट है उसके अंदर, वो दो बॉन्ड जो होते हैं वो एनर्जी रिच होते हैं उसमें। चलिए, तो हमने एक तो इसका फंक्शन देख लिया, अब इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम समझते हैं हम लोग। डेफिशिएंसी सिम्टम देख लेते हैं फटाफट से। डेफिशिएंसी सिम्टम जैसे मैंने आपको पहले बताया, डेफिशिएंसी सिम्टम जो था वो क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस हमारे हमारे प्लांट के लिए अनअवेलेबल होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे प्लांट में, वो समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये क्या करता है, ये क्या कराएगा, डिलेड जर्मिनेशन कराएगा, ठीक है। डिलेड जर्मिनेशन होगा मतलब अगर आपने आपने अगर आपके प्लांट को सीड बनाने पे मजबूर किया, सीड मिल गया, अब सीड को आपने डाला मिट्टी में, मिट्टी में जनरली वो सीड जर्मिनेट करता है और एक नया प्लांट उगाता है, ठीक है। बट अगर फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कम होती है, फास्फोरस डेफिशिएंट होता है हमारा प्लांट, तो वो जो सीड्स बनाएगा वो सीड लेट जर्मिनेट करेंगे। दूसरा, अगर ये जर्मिनेट भी करते हैं तो इनका जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा रिड्यूस होता है, कम ग्रोथ होगा, ठीक है। फिर आप समझने का प्रयास करिएगा, देखिए आपने वहां पर देखा था नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में क्या हुआ था, पर्पल कलर डेवलप हो रहे थे। यहां पर या तो पर्पल कलर डेवलप होगा या तो रेड कलर डेवलप होगा, पर्पल या रेड कलर। अब ये जो है ना ये स्पॉट देखने मिलेंगे वहां पे, पूरा का पूरा शूट जो था वो पर्पल बन जा रहा था, यहां पे स्पॉट देखने मिलेंगे, कहां पर स्पॉट देखने मिलेंगे आपको, ऑन लीव्स, ठीक है। दूसरा, आप देखोगे इसकी वजह से, फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर होंगे, उनके जो लीव्स होंगे,
वो क्या हो जाएंगे, प्री मैच्योरली फॉल कर जाएंगे, ठीक है, समय से पहले वो झड़ जाएंगे। तो प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड फ्लोरल बड्स, ठीक है। तो यहां पे हमने बात करी किसकी, हमने बात करी फॉस्फरस की। आगे बढ़ते हैं और फटाफट से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आगे बढ़ के क्या निकालेंगे, अब बात करेंगे हम लोग पोटेशियम की, ठीक है। तो पोटेशियम हैपन्स टू बी द थर्ड एलिमेंट विच विल बी डिस्कस टुडे, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल तो आपको पता ही होता है, क्या होता है के। अब इसकी अगर आप बात करेंगे ना, इसकी अगर आप बात करेंगे तो पोटेशियम जो है वो सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा मेरिस्टमैटिक टिश्यू में। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि भैया मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट देखा जाएगा, तो वो है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम इज फाउंड मैक्सिमम इन द मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। फिर उसके अलावा हम देख सकते हैं कि वो बर्ड्स में देखने मिलेगा आपको, आप देखिएगा लीव्स में भी हो सकता है, और जो रूट टिप होती है वहां पर भी रहेगा, ठीक है। होते तो बाकी एलिमेंट भी है, बट पोटेशियम की वहां पे मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब पोटेशियम जो है वो अब्जॉर्ब किया जाता है के प्लस के रूप में, ठीक है, वो अब्जॉर्ब किया जाएगा के प्लस के रूप में। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है भैया कि आप लोग जो पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ साथ में बहुत अच्छे तरीके से आप नोट बनाते जाइए, क्योंकि आप बाद में उसी नोट को रिफर करके पढ़ने वाले हैं। याद करेंगे तो नोट बना के याद करेंगे, ठीक है। वीडियो बनाने का मतलब क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाना चाहिए और साथ साथ में आपकी नोट्स भी बन जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये लोग क्या करते हैं भाइयों, ये कैटायन और एनायन का जो जो बैलेंस होता है वो बनाए रखते हैं, ठीक है। कैटायन एनायन बैलेंस बनाने का काम करते हैं हमारे पोटेशियम, और इसके साथ में इसका एक जोड़ीदार आएगा आगे चल करके जिसे हम बोलेंगे क्लोरीन, ठीक है। चलिए दूसरी, ये क्या करता है, आप जब 12th स्टैंडर्ड में जाइएगा तो आप एक टॉपिक पढ़िएगा जिसे कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशन, जिसका मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने में भी जो हमारे हमारे पोटेशियम है वो बहुत काम में आते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। उसके अलावा आप देखिएगा ना, जब जब आपको आपको स्टोमेटा के बारे में बात की जाएगी कि स्टोमेटा ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ट्रांसपायरेशन वो लोग करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं, तो उनकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, ठीक है, उनकी ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग होती है किसकी, स्टोमेटा की, वो भी ये रेगुलेट करवाते हैं, कौन, पोटाशियम। तो आपको पता होगा कि स्टोमेटा जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे गार्ड सेल हो गए, ठीक है, ये दो गार्ड सेल हो गए, बीन शेप, बीच में यहाँ पर क्या हो गया, स्टोमेटल अपर्चर हो गया, कुछ यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स होती है जिनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटल एपेरेटस, ठीक है। चलिए ये बात हो गई, आगे बढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो एन एक्टिवेटर फॉर मेनी ऑफ द एंजाइम, ठीक है, इट इज एन एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, एक्टिवेटर ऑफ मेनी एंजाइम्स। अब आपका दायित्व क्या है, आपका काम क्या है, हमने आपको बता दिया कि भैया एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम है, आप इसका एग्जाम्पल हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। दूसरा ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं हमारी सेल की टर्जिडिटी, ठीक है, ये हमारी सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करते हैं। अगर मानो ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, तो हम देखते हैं ना तो ये सेल बहुत ज्यादा फूलती है और ना ये सेल बहुत ज्यादा सिकुड़ती है, ठीक है। उसकी जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन करके रखती है, ना वो बहुत ज्यादा पानी लेकर के फूलती है और फट जाती है, ना वो पानी लूज करके एकदम श्रिंक होकर एकदम सिकुड़ जाती है, ऐसा नहीं होता है। वो अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखती है। तो वो जो सेल की एबिलिटी है कि अपने आप को मेंटेन कर सके, फूलने से अपने आप को रोक सके, उसे कहा जाएगा उसकी टर्जिडिटी, ठीक है। फिर अब जब फंक्शन पढ़ा है तो इसकी डेफिशिएंसी भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए डेफिशिएंसी देखिएगा, इफ यू विल टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ दिस, तो यू विल रियलाइज व्हाट, यू विल रियलाइज कि इसकी डेफिशिएंसी जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो सबसे पहला और सबसे काम का जो मुद्दा बनेगा बच्चों वो क्या होगा, स्कॉर्च्ड लीफ। स्कॉर्च्ड लीफ, ऐसे पत्ते आपको देखने मिलेंगे जैसे आपको लग रहा होगा ये पत्ते जो है जल चुके हैं, इतनी धूप पड़ी होगी कि पत्ते धूप के मारे जल गए, ऐसा आपको लगेगा, बट असलियत क्या है, वहां पर पोटेशियम की कमी होना। दूसरा जो मुद्दा है वो क्या करता है, ये क्या करेगा, ये करेगा लॉस ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी।
ये क्या कर देगा, लॉस ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी में रिजल्ट करता है। आपको ये चीज पता होती है कि भैया हमारे पास कैम्बियम होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। वो कैम्बियम जो है वो डिवाइड करते हैं, वहां पे मतलब कैम्बियम रिंग बनती है जहां पे डिवीजन होता है अंदर और बाहर। अंदर की तरफ डिवीजन थोड़ा ज्यादा होता है तो नए सेल्स आते हैं और वो ऐड होने की वजह से बाहर का जो हिस्सा था वो फटने लगता था, बार्क बनती थी, कुछ याद आता हो आपको ऐसा। तो वो कैम्बियल एक्टिविटी आप देखो यहाँ पे लॉस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देखोगे क्या, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे प्लांट ने जो खाना बनाया होगा उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा जो पोटेशियम है उसका डिस्कशन खत्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अपने चौथे एलिमेंट की। और ये चौथा एलिमेंट कौन है बच्चों, ये है हम सबका प्रिय कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। ऑलराइट, नाउ पता है ये कैल्शियम जो है, कैल्शियम जो है ये किसको चाहिए होता है सबसे ज्यादा, पोटेशियम की तरह ये चाहिए होगा और पाया जाएगा मेरिस्टमैटिक में, ठीक है। मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो होंगे उनके अंदर देखना मिलेगा सबसे पहले तो आपको ये। उसके अलावा आप देखोगे ऐसे टिश्यू जो डिफ्रेंसिएशन अंडरगो कर रहे हो, ठीक है, जो डिफ्रेंसिएशन अंडरगो कर रहे होंगे उनके अंदर भी आपको देखने मिलेगा, किसके अंदर सॉरी क्या देखने मिलेगा वहां पर भी आपको, आपको देखने मिलेगा वहां पर भी कैल्शियम। दूसरा आप देख पाएंगे कि कैल्शियम जो है ये जब हमारी सेल्स डिवाइड करती हैं, जब हमारी सेल्स डिवाइड करती हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा माइटोटिक स्पिंडल फाइबर जैसा कुछ फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा स्पिंडल फाइबर जैसे फॉर्म होते हैं, तो जो स्पिंडल फाइबर जैसे कुछ फॉर्म हो रहे हैं वो स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए भी आपको क्या है ना, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इट इज यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है ना। ऑलराइट, नाउ कैल्शियम जो है वो यूजुअली अब्जॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ Ca2+ ओनली, इसे Ca2+ के रूप में अब्जॉर्ब किया जाएगा। अब मैं चला जाऊंगा इसके फंक्शन को समझने बच्चों, मैं चला जाऊंगा इसके फंक्शंस को समझने। तो अगर आप फंक्शंस की बात करेंगे, इफ यू विल बी टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द कैल्शियम, तो सबसे पहला व्हाट इट विल डू इज इट विल मेक श्योर दैट हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल रह सके, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये कौन करवाएगा, ये करवाएगा हमारा कैल्शियम। फिर दूसरा काम क्या करवाता है, ये एक्टिवेट कराएगा एंजाइम को। जैसे हमने देखा था जो पोटाशियम है वो एंजाइम को एक्टिवेट करवाता था, तो ये कैल्शियम भी क्या करने वाला है, इट विल सर्व एज अ एक्टिवेटर ऑफ वेरियस एंजाइम्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो फाइंड कि इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। जब प्लांट डिवाइड करते हैं, प्लांट डिवाइड करते हैं तो सेल वॉल फॉर्मेशन जो होगा, ठीक है, उस दरमियान भी आपको कैल्शियम चाहिए होता है। दूसरा एक बहुत काम का मुद्दा होता है ये, कुछ एक्स शेप स्ट्रक्चर अगर मैं आपको पूछता हूँ कि भैया सेल के न्यूक्लियस में देखने मिलता है तो इसको आप क्या बोलोगे, आपका जवाब होगा सर इसे क्रोमोजोम कहेंगे। तो क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करता है कैल्शियम, ठीक है, उसको तोड़ फोड़ उसके उसको उसको उसके जो इंटीग्रिटी है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक है। तो स्टेबिलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए लास्ट जो मुद्दा इसमें आता है ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, देखो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और उसके बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे यूजफुल और बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें बन जाती हैं, जिसमें से एक है ऑक्जैलिक एसिड, जिसमें से एक है ऑक्जैलिक एसिड। तो हमारा कैल्शियम क्या करेगा, हमारा कैल्शियम इस ऑक्जैलिक एसिड को कन्वर्ट करवा देगा, किसमें पता है, ये उसे कन्वर्ट करवा देगा कैल्शियम ऑक्जैलेट में। और उसका जो हार्मफुल इम्पैक्ट था हमारे ऊपर, आई मीन हमारे प्लांट के, हमारा बोल रहा हूँ मतलब मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए उसका इम्पैक्ट प्लांट के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये हुए फंक्शंस। डेफिशिएंसी की बात करें, अगर डेफिशिएंसी की बात करिएगा आप, जस्ट अ मिनट, नाउ इफ यू विल बी टॉकिंग अबाउट द डेफिशिएंसी तो आप क्या देखोगे बच्चों, आप क्या देखोगे डेफिशिएंसी की अगर आप बात करोगे, तो सबसे पहली चीज जो आपको देखने मिलेगी वो क्या होगा,
वो आपको देखने मिलेगा क्या, स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ कॉमन हो जाएगा, ठीक है, लगभग लगभग सभी के अंदर स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट देखने मिलेगा आपको। दूसरा आपको देखने मिलेगा नेक्रोसिस, यहां पर कैल्शियम की वजह से। अब नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स डेथ ऑफ टिश्यू। हमारे जो टिश्यूज हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेथ ऑफ टिश्यू। अब देखो, अब देखने का प्रयास करो और समझने का प्रयास करो, आपको कहाँ बताया था कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है, कहाँ होता है, डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज में और मेरिस्टम में। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होंगे ना, उनका नेक्रोसिस होने लग जाएगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन में इनफैक्ट, ठीक है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर क्लोरोसिस भी आपको देखने मिलेगी, क्लोरोसिस भी देखने मिलेगी, बट वो कहाँ पे होगी, वो यंग लीफ के मार्जिन पे होगी। वो कहाँ पे होगी, मार्जिन ऑफ यंग लीव। बच्चों नोट्स बनाते जाना आप लोग साथ साथ में, ठीक है, नोट्स बनाते जाना। और आप ये भी देखोगे क्या कि यहाँ पर प्री मैच्योर फॉल ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है, हमारे जो फूल होंगे वो समय से पहले झड़ जाएंगे, प्री मैच्योर फ्लावर फॉल। ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट रिजल्ट्स इनटू अ पर्टिकुलर कंडीशन जिसे कहा जाता है क्या, ये प्लीज लिख लेना अच्छे से, ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टमाटो। हमारे टमाटर के अंदर एंड रूट, रूट नहीं है बेटा, रॉट्स होता है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, लेट मी गेट रिड ऑफ दिस थिंग। हाँ, एंड रॉट्स ऑफ टोमेटो, हमारी जो टमाटर होती है उसके अंदर आपको ये देखने मिलेगा बीमारी के रूप में। तो आज हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को इस कैल्शियम तक सीमित रखते हैं। अगला जो क्लास लगेगा उससे हम लोग मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन और मैंगनीज की बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, घर पर रहें और सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।